हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको अपना ट्रेडिंग सेटअप शो करने वाला हूं, ठीक है। तो मेरा ट्रेडिंग सेटअप छोटा सा ट्रेडिंग सेटअप है। मेरे पास मान ली एक लैपटॉप है और एक टैबलेट है, और मेरे पास एक वन प्लस का फ़ोन है, वन प्लस 7 प्रो मोबाइल है। और ये मैंने कुछ क्लासिक चार्ट पैटर्न अपने ट्रेडिंग सेटअप के आसपास लगा रखा है, जिसका मैंने ऑलरेडी आपको अनबॉक्सिंग कर रखा है इन चार्ट्स का। और इन चार्ट्स कि अगर पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सामने कैंडलस्टिक पैटर्न है, और मेरे लेफ्ट साइड में ये जो दिख रहा है आपको, ये है चार्ट पैटर्न है। तो ये चार्ट पैटर्न हम देख सकते हो, इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अगर मेरे को कोई ट्रेड लेना होता है, मैं यहाँ से अपने स्टॉक को एक बार देखता हूँ किस किस चार्ट पैटर्न से ये स्टॉक मैच कर रहा है, और उस हिसाब से मैं ट्रेड ले लेता हूँ। अभी देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अभी ये मेरे को पता चल गया कि कौन कौन सा चार्ट पैटर्न होता है, और उस हिसाब से। तो चलिए मैं आपको एक एक चीज आपको शो करके दिखाता हूँ कि मेरे ट्रेडिंग सेटअप में क्या क्या है, और मैंने कितने का लिया था और कहाँ से लिया था। अगर आप भी खरीदना चाहते हो तो आप भी फ्लिपकार्ट या अमेजन से मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके बाई कर सकते हो। चलिए एक तरफ शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास लैपटॉप है, ये मैंने सेकेंड हैंड लैपटॉप लिया था, 14,000 का HP का लैपटॉप है, पेवेलियन HP पेवेलियन का लैपटॉप है, और 14,000 का ये अच्छा चलता है, ठीक है। तो 14,000 में आप, अगर आपके पास पैसे कम हैं, तो आप ये इस टाइप का लैपटॉप 14-15 हज़ार का बाई कर सकते हो, अच्छा चलेगा। तो इसमें चार्ट वगैरह अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, और इसके ऊपर ये जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क किया हुआ है, तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन इस लैपटॉप के अंदर अच्छे से सब कुछ मार्क कर सकते हो, और क्लियरली शो होता है, ठीक। ये है नेक्स्ट मेरा जो है माउस है, फ्लिपकार्ट कंपनी का ही बाई किया हुआ है फ्लिपकार्ट से, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा माउस है ये, और ये ब्लूटूथ माउस है। इसको हम किसी भी लैपटॉप या अपने टैबलेट के साथ भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और काफ़ी बढ़िया चलता है ये, ठीक है। इसको मैंने 395 रुपीज़ में बाई किया था फ्लिपकार्ट से। तो ये आप देख सकते हैं 395 रुपीज़ में बाई किया था इसको, और इसका देखिए जो रेटिंग है बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस को आप चाहो तो बाई कर सकते हो। नेक्स्ट है ये मेरा टैबलेट है, मैंने लेनोवो का टैबलेट लिया हुआ है, M10 है, ठीक। तो इसके अंदर की जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके अंदर हम चार्ट को अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, और आसानी से इसके ऊपर देख सकते हैं, और इसका टच वगैरह भी स्मूथली काम करता है। और ये मतलब एक बजट, मतलब स्मॉल बजट में अच्छा टैबलेट है। इसको अगर हम चाहें तो अपने ट्रेडिंग सेटअप में इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो ये टैबलेट, इस टैबलेट से रिलेटेड और अगर आपको कोई और नॉलेज चाहिए, तो आप मेरे चैनल पे एक वीडियो बनाया है मैंने इसके लिए, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख सकते हो। तो इस टैबलेट को मैंने कहाँ से बाई किया था, इस टैबलेट को मैंने बाई किया था फ्लिपकार्ट से बाई किया था, ठीक है। फ्लिपकार्ट में कितने से बाई किया था मैं अभी आपको वीडियो दिखा देता हूँ, फ्लिपकार्ट में कहाँ से बाई किया था। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से इसका कवर भी बाई किया था, ठीक है। ये कवर मेरे को 450 रुपये में मिला था। तो ये कवर और ये टैबलेट दोनों फ्लिपकार्ट से ही बाई किया था। ट्रेडिंग के लिए अगर हम टैबलेट यूज कर रहे हैं, तो सबसे मतलब फ़ायदा ये होता है कि ये स्मॉल होता है, और इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं और कहीं भी ले जा सकते हैं। लैपटॉप को कहीं भी खोल नहीं सकते ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो टैबलेट का हमारे को ये फ़ायदा है कि ये स्मॉल है, और स्क्रीन भी बड़ा होता है, इसके अंदर हम आसानी से देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, इसका मॉडल है M10 SD, ठीक है। लेनोवो का टैबलेट है M10 SD। तो आप चाहो तो अपने ट्रेडिंग सेटअप में ये टैबलेट और लैपटॉप दोनों रख सकते हो। तो इस बॉक्स के पीछे देख लीजिए, फीचर्स हम बहुत सारे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन फीचर्स के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, अगर आपको इन फीचर्स के बारे में देखना होगा तो आप मेरा दूसरा वाला वीडियो देख सकते हो, या इसके ऊपर पढ़ भी सकते हो। तो ये देखिए, मैंने ये टेबलेट को लिया था 10,999 रुपये में फ्लिपकार्ट से, और ये इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, 12,553 लोगों ने रेटिंग किया हुआ है, 4.5 स्टार से ज़्यादा है। अभी नेक्स्ट मेरे पास है ये JBL का एक स्पीकर, ठीक है, जिसके ऊपर मैं गाने भी सुनता हूँ। तो ये स्पीकर को मैंने ऑफ़र में लिया था, ये मैंने 3,500 रुपये में लिया था JBL का स्पीकर। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है ट्रेडिंग के लिए, अगर आपको रखना चाहते हो, गाना वाना सुनना है, तो आप इसको रख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, इसको रख कोई इतना ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो ये अभी इसका प्राइस देखिए 6,299 रुपये है, लेकिन मैंने इसको 3,500 रुपये में बाई किया था। तो ये इस पर कभी कभी ऑफ़र आता है जो 3,500 रुपये मिलता है, ये अगर आप चाहो तो ऑफ़र में इसको बाई कर सकते हो, ठीक है। अभी तो ये काफ़ी महंगा दिखाई दे रहा है, तो इसको अगर बाई करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट मेरे पास ये है एक छोटा सा ट्राईपॉड है, इस ट्राईपॉड से की मदद से मैं अपने मोबाइल से ही अगर कोई वीडियो बनाना होता है, तो मैं इसके ऊपर ये वीडियो बनाता हूँ।
तो ये ट्राईपॉड भी काफ़ी यूज़फुल है, और ये मैंने 299 रुपीज़ में फ़्लिपकार्ट से ही बाई किया था। अगर इसको भी आपको बाई करना होगा तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके बाई कर सकते हो। नेक्स्ट मेरे पास है ये अपना माइक है मेरे पास, और ये माइक बोया का माइक है, ठीक है। तो ये माइक काफ़ी अच्छा है। तो इस माइक का मैं यूज़ करता था पहले वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अभी मेरे पास ब्लूटूथ माइक है तो इस माइक का यूज़ मैं कम करता हूँ। लेकिन ये माइक काफ़ी अच्छा है और ये माइक सस्ता भी है, ठीक है। ये माइक 699 रुपये मैंने बाई किया था फ्लिपकार्ट से, तो अगर आप चाहो तो इसको बाई कर सकते हो। न्यू माइक मैंने ये बाई किया हुआ है फ्लिपकार्ट से, ये भी सस्ता है और ये ब्लूटूथ माइक है टाइप। इसमें ये पोर्ट दिया हुआ है, इसको हम अपने मोबाइल के अंदर लगा सकते हैं, और उसके बाद दूसरी तरफ एक माइक दिया हुआ है जिसको हम ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसी इसी माइक से मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो प्राइस है उस हिसाब से इसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। तो ये काफ़ी सस्ता माइक है, और इस माइक ये अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग सेटअप है तो आप इस माइक को बाई कर सकते हो, सस्ता में काफ़ी अच्छा माइक है ये। अगर आप कोई यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो ये माइक बाई कर सकते हो। ये माइक मैंने 848 रुपये में फ़्लिपकार्ट से बाई किया था। अगर आपको भी बाई करना होगा, और इसका रेटिंग भी अच्छा है, और अगर आपको आपको भी बाई करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से बाई कर सकते हो। ये है एक जीरो, ये नेक्स्ट मेरे पास एक जीरो पावर गूगल है जिसका इस्तेमाल मैं ट्रेडिंग के टाइम यूज करता हूँ, ठीक है। तो इसका ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इससे आपका आँख ख़राब नहीं होगा, इसको अगर आप चाहो तो बाई कर सकते हो, ठीक है। इसको भी मैंने फ़्लिपकार्ट से ही बाई किया था, और एक काम की चीज़ है। तो फ़्लिपकार्ट से मैंने इसको बाई किया था 470 रुपये में, आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी भी रेटिंग काफ़ी अच्छी है। तो मेरे पास वही प्रोडक्ट है जिसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी हो। ये वन प्लस का मैंने बाई किया हुआ है, ईयरबड्स बाई किया हुआ है। तो ये तो मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, आपको ये अगर आपको कोई ईयरबड चाहिए, ब्लूटूथ ईयरबड चाहिए, तो आप सबसे बेस्ट 5000 के रेंज में सबसे अच्छा ये ईयरबड है वन प्लस का, बहुत बढ़िया फीचर है और आवाज़ भी बहुत बढ़िया है, और इसका जो माइक है बहुत अच्छे तरीक़े से काम करता है। तो अगर आपको कोई 5000 के रेंज में अगर कोई ईयरबड लेना होगा तो आप ये वन प्लस का ईयरबड ले सकते हैं, और इसका जो प्राइस है 4999 रुपया, ठीक है। ये देखिए 4999 रुपया मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ही बाई किया था, और इसका पूरा नाम है वन प्लस बर्ड्स जेड टू विथ एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ब्लूटूथ हैंडसेट। तो अगर आपको एक ईयरबड चाहिए इस रेंज में तो आप इसको बाई कर सकते हो। नेक्स्ट मेरे पास है ये गैजेट्स, नेक्स्ट है जो सैमसंग गैलेक्सी का एक्टिव टू वॉच है, स्मार्ट वॉच है, ठीक है। तो इस वॉच के अंदर भी आप चाहो तो चार्ट वगैरह देख सकते हो, मैंने इसका एक पिक भी सेंड किया था इससे पहले, और इसके अंदर आप अपना पोर्टफोलियो वगैरह सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आपको कोई अलग से वीडियो चाहिए तो आप बताना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके ऊपर इसमें आप सब कुछ अपना कोई भी मतलब इंटरनेट सर्च कर सकते हो, या जीरोधा सर्च कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू सर्च कर सकते हो, कुछ भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। और ये वॉच काफ़ी यूज़फुल वॉच है सैमसंग का, और इसमें काफ़ी फंक्शन अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। तो अगर आपको इस रेंज में कोई आपको वॉच बाई करना है तो ये वॉच आप बिल्कुल बाई कर सकते हो, बढ़िया बाई वॉच है और बहुत सही तरीके से काम करता है। तो इस वॉच का प्राइस है 14990 रुपया, लेकिन ये आपको ऑफ़र में 12000 रुपये का मिलता है, ठीक है। आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको ये 12000 रुपये में मिलेगा, मैंने 12000 रुपये में ही बाई किया था। ये मेरे पास है एक गैजेट बॉक्स, इसके अंदर मैं अपने पूरे गैजेट्स रखता हूँ, मेरे जितने भी केबल्स हैं, उसके बाद USB है, उसके बाद मेरे पास जितने भी पेन ड्राइव है, चिप्स हैं, ठीक है, इसमें सब कुछ मैं अपना रखता हूँ, और क्योंकि गुम ना हो। और इसके नीचे आप अपना हार्ड डिस्क वगैरह रख सकते हो, स्पीकर वगैरह, ब्लूटूथ स्पीकर इसमें, और अपना इसमें कुछ भी रख सकते हो। ये कम रेंज में बहुत ही बढ़िया एक बैग है, 382 रुपीज़ का है ये। अगर आप सर्च करोगे तो आपको 800 रुपये में मिलता है, लेकिन इसको आप बाई कर सकते हो चाहो तो। ये आपको मैंने पहले ही दिखा रखा है, ये जो अपना क्लासिक चार्ट पैटर्न का दिया हुआ है, इसका अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड नहीं हो पा रहा आपसे तो आप मेरे को मैसेज करो, मैं वहाँ से आपको तुरंत इसका PDF फाइल SD शेयर कर दूँगा। लेकिन मैंने जब ट्रेडिंग शुरू की थी तो मेरे पास एक मोबाइल ही था बस, वन प्लस का 7 प्रो, उससे ही मैं ट्रेडिंग करता था, और बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद लेकिन एक मोबाइल के साथ मैंने फिर एक लैपटॉप बाई किया 14000 में, 14000 में लैपटॉप बाई करने के बाद, और उसके बाद फिर मैंने एक टैबलेट बाई किया। तो धीरे 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 मेरा सेटअप बढ़ता गया, और मैंने थोड़ा सेटअप कुछ इस तरह से बना लिया। तो अच्छा सेटअप होने से आपको काफ़ी फ़ायदा होता है।
तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपके पास क्वेश्चन है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और उसको ईजिली देख सको। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।